हेलो एवरीवन, तो आज हमारे साथ हैं निमसेट 2023 के टॉपर, ऑल ओवर इंडिया रैंक अचीव करने वाले अभिनय साहू। इनका निमसेट में ऑल ओवर इंडिया रैंक 81 आया है, राइट। और जो इनका ड्रीम कॉलेज था, आज वो इन्हें मिलने जा रहा है। साथ ही साथ ये अभिनय के बारे में बता दूं, अभिनय रायपुर से हैं, विवेकानंद कॉलेज से इन्होंने BCA कंप्लीट किया है। 1.5 साल का इन्होंने कोर्स ज्वाइन किया था एक्मे अकेडमी में, लास्ट ईयर शायद जनवरी में ज्वाइन किया था इन्होंने कोर्स। तो सबसे पहले अभिनय, तुमको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इस रैंक के लिए। थैंक यू सर। तो कैसा फील हो रहा है भाई? बस सर, अभी मतलब ऐसा बिलीव नहीं हो रहा है कि 81 रैंक आ गया। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा रैंक है। बहुत मेहनत करने के बाद बच्चों को इस तरीके की 2 डिजिट रैंक, सिंगल डिजिट रैंक बच्चों को अचीव होती है। और आपका जो डिजायर कॉलेज था NIT तिरछी, वो आज आपको मिल रहा है, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब आप BCA कर रहे थे विवेकानंद कॉलेज से, तो पहली बार निमसेट के बारे में कब पता चला और एक्मे के बारे में कब पता चला? मैं मतलब सर, ऐसा सेकंड ईयर तक मेरे को आइडिया नहीं था कि कुछ होता भी है MCA। मेरे को लोग बोलते थे, मैं किसी से पूछता था तो कि MCA मतलब फालतू डिग्री है, जो BCA में पढ़ते हो वही पढ़ोगे, ऐसा वैसा करके। फिर मैं नेट पे सर्च कर रहा था ऐसे ही रैंडमली कि MCA होता है क्या, फिर पता चला कि NITs पे भी MCA होता है, एग्ज़ाम होता है ऐसा करके। तो मैं सर्च किया फिर मैंने कि अकेडमी है क्या रायपुर में कोई, तो मुझे पता चला एक्मे अकेडमी है, तो मैंने देखा। बट मैं फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरे को लगा कि फाइनल ईयर का प्रेशर होगा, ऐसा करके कर पाऊंगा कि नहीं, तो मैंने नहीं किया। फिर मैंने एट द एंड मतलब अराउंड दिसंबर जनवरी मैंने फाइनल ईयर में फिर ज्वाइन कर ही लिया कि अब फालतू क्यों वेस्ट करो टाइम, जब करना ही है। एक साल ड्रॉप लेने का सोच ही लिया था, उस टाइम ही सोच लिया था मैंने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब पहले से ही थोड़ा पढ़ ही लेता हूँ, जब मैं इतना पढ़ना ही है तो। बिल्कुल। तो फिर आपने जनवरी में आके, दिसंबर जनवरी में आके ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया रायपुर के सेंटर को। तो अब अपनी पूरी जर्नी बताओ, 1.5 साल की जो जर्नी रही, स्टार्टिंग में क्या था और एंड तो सबको पता है कि 81 रैंक के साथ आप एक टॉप कॉलेज में जा रहे हैं इंडिया के। स्टार्टिंग से बताओ, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एकेडमी में कंप्लीट, और कैसे आपने प्रिपरेशन शुरू की, क्या क्या आपके कह सकते हो इनिशियल स्टेप्स थे, ताकि जो बच्चा प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहा है, राइट, बच्चों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो वो भी आपकी जर्नी के थ्रू उनके क्लियर हो जाए। सर, तो मैं जब ज्वाइन किया था एकेडमी, तो मेरी फर्स्ट क्लास आप उस टाइम मतलब अर्जुना बैच ले रहे थे, मैं अर्जुना बैच में ज्वाइन किया था। PNC स्टैटिस्टिक्स की हो रही थी क्लास, और मैंने मतलब ऐसा यूट्यूब से भी थोड़ा सा पहले से देखा था, तो मैंने फिर आपसे पढ़ा तो मेरा वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया था। एक्चुअली उस टाइम पे आपका मतलब लेक्चर मतलब मैंने यहाँ लाइव अटेंड किया, रिकॉर्डेड भी देखा जो पहले का छूटा था, तो मेरा टॉपिक क्लियर हो गया। फिर मैंने मॉक टेस्ट दिया तो मेरे अराउंड 200 मार्क्स आते थे, बहुत ज़्यादा नहीं आते थे, 200 आते थे। बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मेरे मार्क्स जल्दी बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा कैचिंग पावर हाई है मेरा, भले प्रैक्टिस नहीं की मैंने, क्योंकि मैंने 12th में भी सर कभी मतलब 11th 12th से मैथ्स था मेरा, बट मैंने उस टाइम प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की थी। मैंने पढ़ा था, कोचिंग भी गया था मैं, बट मैं बहुत लेजी था उस टाइम, पढ़ता नहीं था, मतलब मोटिवेशन नहीं था पढ़ने का। मैंने JEE का नाम भी नहीं देखा, मतलब क्या होता है पता था, बट मैं ऐसा फॉर्म भी फिल नहीं किया, हाँ कुछ नहीं, दूर दूर तक देखा ही नहीं मैंने JEE भी, कोई एग्जाम नहीं था उस टाइम। मैंने कुछ नहीं, लोकल कॉलेज सस्ता फीस करके मैंने BCA करना है करके, बाद में कुछ अगर नहीं करके मैंने सोच लिया था कि चलो अभी तो हो गया जो हो गया, अभी तो टाइम नहीं है, ड्रॉप लेने का मन नहीं था किसी चीज़ के लिए, BCA कर लेते हैं करके। मैंने फिर वही देखा, फिर सेकंड ईयर पता चला कि होता है अपॉर्चुनिटी मिली है तो करूँगा करके मैंने सोचा सर। फिर मैंने वही जब ज्वाइन किया था तो 200 अराउंड मार्क्स आ रहे थे मॉक पे, तो मैं थोड़ा सा करते गया प्रैक्टिस, आपके लेक्चर्स देखे मैंने, आपके शीट्स सॉल्व किए, टॉपिक वाइज टेस्ट होते थे वो दिए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं हो जाएगा। बट उस टाइम मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आया सर कि मेरा इस साल क्रैक हो जाएगा, और क्रैक हो भी जाएगा तो अच्छा NIT मिल जाएगा, ये मेरे को पता था। तो इसलिए कहीं ना कहीं उस टाइम मैंने अपने प्रिपरेशन में लैग कर दिया बहुत, मतलब मैंने जब ज्वाइन किया था उसके बाद मैंने 2-3 महीने ना, मतलब 1 महीने तो मैंने थोड़ा पढ़ा, बट फिर मैंने आगे 2-3 महीने मतलब बहुत टाइम पास कर दिया। एग्जाम भी आ गए थे उस टाइम पे, एग्जाम भी आ गए थे बिल्कुल, और फिर मैंने टाइम पास भी थोड़ा कर दिया, पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया मैंने। एग्जाम के 1 महीने पहले फिर सीरियस हो गए थे, हाँ फिर एग्जाम के 1-2 महीने पहले मैं सीरियस हुआ, फिर मेरा मॉक में धीरे धीरे स्कोर बढ़ रहा था, मतलब मॉक दे देकर एक्चुअली स्कोर तो मेरा मॉक के ही थ्रू बढ़ा है एक्मे के। तो मेरा एक्चुअल में आखिरी तक मॉक में ना 450 अराउंड एवरेज पहुंच चुका था, 400-450 लास्ट ईयर 22 में, 22 में पहुंच चुका था, और मेरा एक्चुअल में 22 में मार्क्स भी 427 ही आया था लगभग, एवरेज आया था, और उस टाइम फिर मेरी 1800 रैंक भी आई थी फिर। ओके, तो मतलब आपकी लास्ट फाइनल ईयर के साथ 1800 रैंक आई, सॉरी, और 1800 रैंक से इस साल तक आपने 81 रैंक तक का सफ़र तय किया। यस सर, बहुत बड़ा सफ़र है ये, और बहुत ही काबिले तारीफ सफ़र माना जाता है कि जो बच्चा 12th में JEE मेंस का एग्ज़ाम देना तो दूर की बात, उसने उसके बारे में बहुत सुना भी नहीं था, मतलब एक नॉर्मल स्कूलिंग करनी थी अपनी, 12th मैथ्स करना था बस, हो गया 12th, BCA भी नॉर्मल कॉलेज में ज्वाइन कर लिया,
और 1800 रैंक लेके आए ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, और उसके बाद मोटिवेशन देखिए आप, चीज़ें देखिए कि 81 रैंक बन गया। तो ठीक है भाई, 1800 से 81 तक का सफर आप बताएं। सर तो हुआ क्या, जब मैंने यहाँ कोचिंग वापस ज्वाइन की, अब पहले भी सर आप प्रोवाइड करते थे स्पेस की स्टडी यहाँ पे ऐसा कर सकते हो आप बैठ के यहाँ हॉल में कि दिन भर बैठो पढ़ाई करो, बट उस टाइम मेरे को उतना आइडिया नहीं था मतलब, और बच्चे कम आते थे मतलब, लास्ट ईयर अनुज भैया जो थे ड्रॉपर थे उनका भी सिलेक्शन हुआ है, वो दिन भर पढ़ते थे बट उनके अलावा ज़्यादा कोई बच्चे बैठते नहीं थे और स्पेस भी कम था। फिर आपने एक्सपांड किया जगह थोड़ा, फिर एक्चुअल में ना जब यहाँ पे वापस एग्जाम के बाद 22 एग्जाम के बाद मैंने ज्वाइन किया ना, तो बच्चे बहुत बढ़ गए यहाँ, तो मेरे को भी देख के लगा कि नहीं यार यहाँ पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि उससे पहले मैंने थोड़े एक आध महीने के लिए लाइब्रेरी भी ज्वाइन की थी और वहाँ पे मेरा बिल्कुल फोकस नहीं हो पाया था क्योंकि वहाँ पे कोई निमसेट का आता नहीं है और उस टाइम जेई के भी कोई नहीं थे, तो फिर मैं बहुत अकेला फील कर रहा था और ऐसा बहुत मतलब फील नहीं आ रहा था कि प्रिपरेशन चल रही है मेरी। बट फिर मैंने यहाँ पे ना जब 22 के एग्जाम के बाद ज्वाइन किया ना, यहाँ पे आपने एक स्टडी हॉल दे दिया डेडिकेटेड, डेडिकेटेड लाइब्रेरी आप लोगों को बना दी गई, बच्चों के कहने पे एक लाइब्रेरी बनाई गई बिल्कुल प्रॉपर, जहाँ पे करीब 100 बच्चे बैठ के दिन रात पढ़ सकते हैं। प्रॉपर लाइब्रेरी का भी टूर कभी कभी बच्चों को कराएंगे किसी दिन। आगे बताएं। तो सर वो चीज़ ना मेरे को लगता है सर एक्चुअल में 80% जो मैंने एफर्ट लगाया ना उसका मतलब जो कैटलिस्ट है ना वही है, उसके बिना मैं कर ही नहीं पाता, क्योंकि मैं घर में सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी प्रिपरेशन के बीच में आखिरी 2 महीने में भी ना अगर मैं घर में बैठ जाता था ना तो मैं 1-2 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ाई कर पाता था, ये एक्चुअल रियलिटी बता रहा हूँ मैं। मेरा घर में फोकस बिल्कुल नहीं होता है मतलब, बहुत जल्दी मेरा फोकस नहीं है, बचपन से स्ट्रांग नहीं है क्योंकि बचपन से मैंने गेम वगैरह खेल खेल के पूरा फोकस बिगाड़ दिया अपना। अच्छा। बट हाँ यहाँ के इतना अच्छा फोकस होता था ना, और यहाँ माहौल बहुत अच्छा मिलता था क्योंकि यहाँ मतलब सब प्रिपरेशन वाले थे, कॉम्पिटेटिव माहौल था, सब मॉक टेस्ट के जो रैंकर्स थे यहीं पर थे, अपने सबके साथ ऐसा कॉम्पीट होता था और तुरंत जिसको डाउट आ रहा है बता दे रहा है, कोई मेरे को क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो दूसरा बता रहा है या मैं उसको बता रहा हूँ, और जिस अगर अगर नहीं मिल रहा है किसी को नेट सर्च कर रहे हैं, और अगर नहीं मतलब जो क्वेश्चन लग रहा है नहीं एक्चुअल में क्योंकि सर का भी मतलब टाइम वैल्यूएबल है, बट सर बाजू में बैठे रहते थे, अवेलेबल रहते थे सर, अपना टाइम देते थे, तो जब भी डाउट आया ऐसा लगा कि नहीं पूछने लायक क्वेश्चन है तो सर के पास चले गए, पूछ लिया क्वेश्चन, डाउट सॉल्व हो गया। ऐसे मैंने मतलब कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने ऐसे सर से पूछे जो मेरे को फील हुआ कि नहीं वर्थ इट है यहाँ पे बैठना, मतलब बहुत यहाँ पे एक्चुअल में एक्मे लाइब्रेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया मेरा बोल सकता हूँ मैं। और फिर आपकी शीट्स सर आप रेगुलरली एकदम टाइम टू टाइम देते थे, टेस्ट भी एकदम दोपहर के 3 बजे तो 3 बजे, भले लंच खा के नींद आए बट तुम लोग टेस्ट दोगे तो दोगे। हाँ जी फिर तो मतलब टेस्ट आप रेगुलरली एकदम 3 बजे देते थे, मतलब लंच किया फिर नींद आए ना आए तुमको टेस्ट देना है, बेसिकली तुमको अगर नींद भी आए तब भी तुम टेस्ट देना सीख जाओगे, प्रिपेयर हो जाओगे। और सुबह सर शीट देते थे, उसको ऐसा डेडलाइन देते थे कि आज मैं आज कल तक मैं ख़त्म करना है, रोज़ डेली मिल रहे हैं, अल्टरनेट डे मैथ्स रीजनिंग की टेस्ट मिल रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा ओवरलोड भी मत हो जाए वर्क, और फिर एक फिक्स टाइम पे आप क्लास लेते थे और बहुत अच्छा मैनेज हो जाता था, तो मतलब प्रीवियस टॉपिक और करंट टॉपिक बहुत अच्छे से इससे एक बैलेंस बने रहता था, क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है यूजुअली कि सर मैनेज कैसे करें आपका अभी जो टॉपिक चल रहा है हम तो पहला टॉपिक पढ़े ही नहीं है, तो सर ऐसा प्रॉपर टेस्ट देते थे कि आपका हो जाएगा कवर हो जाएगा सब साथ में ही चलेगा मतलब, और ऐसा है ना सब बच्चे एक साथ करते हैं ना तो तुम भी आ ही जाते हो उनके साथ में मतलब प्रॉपर। और फिर वही धीरे धीरे सर फिर आपने टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ संडेज पे आपने मेगा टेस्ट चालू किया था मॉक टेस्ट से पहले, ताकि आपने सिलेबस को 2 पार्ट में भाग डिवाइड कर दिया था, पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 1 का मेगा टेस्ट लेते थे सर, तो उन मेगा टेस्ट में ना एक्चुअल में ना मैंने सर जब लिए थे ना तब मतलब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिलेबस ना सर करा दिए थे पार्ट 1 में, और उन मेगा टेस्ट में मतलब कैलकुलस वगैरह नहीं आता था बट जो पार्ट 1 आता था ना वो मेरा इतना स्ट्रांग हो गया था, क्योंकि मैं लास्ट ईयर मॉक टेस्ट दिया था 450 था मेरा एवरेज, मेगा टेस्ट देते ही मेरा 600 पहुंच गया सीधा स्कोर, मतलब मेरा लगभग 2-3 महीने में मेरा सीधा 150-200 नंबर बढ़ गया, ऐसे ही बढ़ गया सीधे टॉपिक वाइज यहाँ के करके पूरा शेड्यूल फॉलो करके, और यहाँ तो बैठता ही था मैं 10-12 घंटे मतलब हो जाता था मेरा कई बार 10-12 घंटे पढ़ाई हो जाते थे, और मेरा एवरेज बहुत ज़्यादा नहीं है 6-8 घंटे ही है, मैं नहीं बोलूँगा कि तुम 15 घंटे बैठो, कुछ जगह बोलते हैं कि हर चीज़ का टाइम फिक्स रखो एकदम आज 6-7-8 घंटे पढ़ो, मैं बोलूँगा इतना नहीं बोलूँगा मैं, जितना आपसे हो सके उतनी स्टडी करिए, 6 घंटे कंसिस्टेंटली बहुत जरूरी होता है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें आप, 6 घंटे पढ़ो 7 घंटे पढ़ो बट पढ़ डे पढ़ो, ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया फिर 3 दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन पढ़ लिया फिर नहीं पढ़ा, कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए। तो वैसे ही मैं पढ़ता था धीरे धीरे करके, मेरे मार्क्स के साथ साथ ना टाइमिंग भी इंप्रूव हुई, पहले मैं 2-4 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता था, फिर यहाँ पे बैठ बैठ के पता नहीं बहुत जल्दी मेरा इंप्रूवमेंट हुआ उस टाइमिंग पे, मैं 8-8 घंटे बैठने लगा 10 घंटे बैठने लगा, और अगर मैं कहीं जाता था तो लोग फिर ऐसा पीयर प्रेशर देते थे कि कहाँ जा रहा है भाई पढ़ ले थोड़ा देर, और ऐसा इस टाइप से चलता था दोस्तों का। और फिर मेरा स्कोर धीरे धीरे करके फिर सर ने मॉक लेना चालू किया, तो एक्चुअल मेरा स्टार्टिंग के मॉक्स में स्कोर ना 700 पहुँच चुका था,
क्योंकि मैंने उस टाइम बहुत अच्छे से मैंने मतलब टॉपिक्स कर लिए थे, मेरा रिवीजन वगैरह भी प्रॉपर चल रहा था। फिर थोड़ा थोड़ा हल्का सा डाउन हुआ क्योंकि जिस चीज़ें बोलता है ना आदमी, मतलब ऐसा टाइम होता जाता है तो थोड़ा थोड़ा भूलते जाते हैं लोग, ये मतलब बहुत नॉर्मल चीज़ है, कॉमन चीज़ है, बिल्कुल ये होता है। रिवीजन आप प्रॉपर ना कोशिश करोगे हो जाएगा, बट मेरे साथ ये दिक्कत थी, मैं रिवीजन थोड़ा नहीं कर पाता था उतना अच्छे से, तो धीरे धीरे नंबर कम हुआ, फिर वापस नंबर बढ़ा मेरा। फिर एट दी एंड ना अभी एग्जाम से पहले तक मेरा एवरेज 800 नंबर पहुंच चुका था मॉक पे, कई बार 850 भी आए, उससे ज़्यादा भी आए हैं, बट 800 मेरा एवरेज पहुंच चुका था। तो मेरे अंदर भले मैं ये नहीं सोच के रखा था कि एग्जाम में मेरे को 800 या 900 लाने हैं, बट मेरा कॉन्फिडेंस था कि नहीं, जब मेरे हर टेस्ट में आ रहे हैं 700-800 से ऊपर, तो मेरा सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता। बिल्कुल। और ये चीज़ मेरे को तब हेल्प हुई ना जब मैं एग्ज़ाम के एक मतलब एग्ज़ाम की पहली रात को मात्र 4 घंटे सोया, 2 घंटे जब सोया था तब उससे 4 घंटे नींद खुली मेरी, फिर 2 घंटे फिर सोया मैं, और मैं यूजुअली सोता हूँ 8 घंटे, 4 घंटे सोने के बावजूद मेरा 81 रैंक आ गया। बहुत प्रेशर में था मैं फिर भी, क्योंकि मेरे को इतना पता था कि जब मैं मॉक में इतने स्कोर ला रहा हूँ तो मेरे से ज़्यादा लाएगा ही कौन। बिल्कुल सही बात है, ये लाइन बिल्कुल हमेशा याद भी रखना चाहिए, जब आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो भाई पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल रिजल्ट आएगा, ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए कि हम 4 घंटे सोए हैं हम नहीं कर पाए। तो बहुत अच्छा रहा ये तुमने, मतलब कह सकते हो 1800 से 81 की जर्नी तय की। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि तुम्हारा सिलेबस कब कंप्लीट हो गया था तुम लोगों के बैच का? सर थोड़ा सा उतना मेमोरी पावर वीक है मेरा, पर अंदाजे से बताऊँ सर तो एग्ज़ाम से 3 महीने पहले हो गया, 3-4 महीने पहले। तो जो 3 महीने सिलेबस ख़त्म होने के बाद बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि सिलेबस कम्प्लीट हो गया है हमारा, है ना, और अब कैसे रिविजन कर रहा है, तो वो रिविजन का स्ट्रेटजी क्या था तुम्हारा? सर मेरा रिवीजन स्ट्रेटेजी पहले तो ये था, सबसे पहले नोट्स, सबसे पहले तो वही होते हैं, और जो रिसेंट नोट्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ना ये मतलब जो भी प्रिपरेशन करेगा उसको ये चीज़ समझ में आई जाएगी, आखिरी के ना 3-4 महीने में ना एक नई कॉपी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ना आप ना यहाँ पे सिलेबस मल्टीपल टाइम्स कम्प्लीट हो जाता है, जो एकदम न्यू होगा उसके लिए भले कम हो, बट जो थोड़ा सा ही पढ़ा होगा ना उसके लिए कम से कम 2-3 बार हो जाता है, तो आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं। फिर ना जो चीज़ें याद नहीं रहती ना अब उसको फिर लिखना चालू करते हो, फिर से जब कोर्स चलता है तो आप फिर से एक कॉपी बना के ना उसमें लिखने चालू करते हो, वो चीज़ें जो आपको उतना अच्छे से याद नहीं रहता, श्योर नहीं रहता आपकी, अगर अभी याद करूँगा तो भूल जाऊँगा हफ्ते भर बाद, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है कि उन नोट्स को रिवाइज़ करना और क्वेश्चंस लगाना, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को रिवाइज़ तो नहीं कर पाता था उतना, मेरा मतलब मैं याद नहीं कर पाता था, ये मेरा मेमोरी बहुत वीक पॉइंट है मेरा, धीरे धीरे इंप्रूव हुआ हो बट मेरा मेमोरी बहुत वीक पॉइंट है, तो मैं कुछ नहीं करता था, मैं क्वेश्चंस लगाता था, शीट्स के क्वेश्चन, टेस्ट के क्वेश्चन, कहीं से भी मिले मैं क्वेश्चन लगाता था, मॉक लगाता था। बेसिकली दिमाग को इतना तेज रखो कि ना भले तुमको क्वेश्चन याद ना रहे पर लॉजिक अच्छा स्ट्रांग रहे, जो कि सर उसी पे फोकस करते हैं मोस्टली, लॉजिक पे, क्वेश्चन नहीं रट पाते सर। और जैसे अभी रिपीटेड क्वेश्चन भी आए थे तो मेरे को ऐसा नहीं है सब क्वेश्चन याद थे, मेरे को नहीं याद थे, बट मैंने रिपीटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, मैंने दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मेरा लॉजिक स्ट्रांग था, मैंने सॉल्व ऐसे किए थे सर के मेथड से किए थे, तो मैंने क्योंकि मेमोरी मतलब रहा ही नहीं है मेरा कभी, तो ये नहीं, कोई नहीं, मतलब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, लॉजिक क्लियर है तो नीड नहीं है भाई, वो अलग बात है कि कुछ लोगों को याद हो जाते हैं तो वो आपसे थोड़ा आगे निकल जाएंगे, वही है, बट आपको ये कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा कि भाई मैंने सॉल्व करके लिए रैंक अचीव की है और आपने वो रैंक अचीव की, तो बहुत अच्छी रैंक है ये तुम्हारी 81। तो भाई अब कैसा घर पे सब लोग खुश हैं? एकदम बढ़िया सर, घर पे तो सब खुश है, पापा को उतना ऐसा नहीं लगता बट पापा फिर भी खुश है। चलो बहुत बढ़िया, पहली बार पापा खुश हुए हैं। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब अच्छा एक बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो 2024 के बच्चे हैं? अच्छा एग्जाम का थोड़ा और बता दो, एग्जाम में कोई प्रेशर वगैरह लिए थे क्या? सर एग्जाम में तो बहुत प्रेशर था क्योंकि उसके जस्ट पहले सीयूईटी हुआ था और सीयूईटी के दिन सर ऐसा हुआ था ना, गर्मी यहाँ पे पीक पे थी, मतलब 42-43 डिग्री थी टेम्परेचर यहाँ पे उस टाइम, निमसेट के दिन भी 40 के अभाव हुई थी, और ना जो सेंटर था हम लोग का सेम था, अब वहाँ पे जहाँ मैं बैठा था ना ही वहाँ पंखा था और मेरे बाजू की खिड़की भी खुली थी, तो बेसिकली लू चल रही थी सीधी। हाँ। तो मैं पहली बात तो उससे डरा हुआ था कि ये निमसेट के दिन मत हो जाए, मेरा तबियत मत खराब हो जाए, और एक्चुअली निमसेट के दिन उतना तो एक्सट्रीम नहीं हुआ क्योंकि सुबह एग्जाम था, बट गर्मी उस दिन भी थी, उस दिन पंखा नहीं था मेरे ऊपर, बस ये था कि खिड़की। सीयूईटी तो बढ़िया गया था सर, सीयूईटी है ना उसमें मतलब जैसा निमसेट गया वैसा सीयूईटी गया था बोल सकता हूँ मैं। और एक बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, इनका महाराष्ट्र सीईटी में भी 99.99% आया हुआ है, राइट, मतलब उसमें भी ऑल ओवर इंडिया कम से कम टॉप 10 के अंदर रैंक 100% होगी इनकी। yes, और VIT वेल्लोर में भी ऑल ओवर इंडिया 3rd रैंक आई है इस बार इनकी, राइट। yes, right? तो रैंक बहुत अच्छी अचीव की इन्होंने, क्योंकि जब हार्डवर्क कोई करता है तो उस हार्डवर्क का रिजल्ट जरूर मिलता है, ठीक है, और बहुत अच्छा रैंक माना जाता है, चाहे NIMCET में 81 रैंक हो ये भी बहुत अच्छी रैंक मानी जाती है। CUT का भी रिजल्ट आना बाकी है अभी, उसमें भी आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो 2024 के बच्चे एक्मे एकेडमी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं एक्मे एकेडमी को, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बस ये बोलूँगा ट्राई टू बी ऑफलाइन,
ऑनलाइन मैं नहीं जानता पढ़ाई कोई कर लेता होगा तो। वैसे तो अपने यहाँ से मतलब याशिका जैन, तुम लोगों ने नाम शायद जानते होंगे, उनका मेरे से 4-4 रैंक ज़्यादा है क्योंकि वो घर से पढ़ लेते हैं, मतलब उनका है पर मेरा नहीं है पर्सनली। तो मैं जो भी बच्चा ऐसा है उनको रिकमेंड करूँगा कि ऑफलाइन आइए, आपको डिफरेंस दिखेगा। अगर आप घर में नहीं पढ़ पाते एक मिनट भी ना, आगे ट्राई कीजिए, आपका हो जाएगा। और वही है, सर के लेक्चर्स अच्छे से फॉलो कीजिए। आप इधर उधर बहुत ज़्यादा 50 जगह के लेक्चर्स मत देखिए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है। क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने किया है ऐसा, मैंने बिल्कुल नहीं किया, मैंने बिल्कुल 0% किया। मैंने कहीं का टेस्ट नहीं दिया, ना ही मैंने कहीं का कुछ किया, बिल्कुल मैंने पूरा एक्मे को फॉलो किया अच्छे से प्रॉपरली, और वो भी हर टॉपिक में। मतलब इंग्लिश तो मेरा वैसे ठीक है, इंग्लिश में मैं नहीं बोलूँगा कि टाइम अपना स्पेंड करो, बाकी कंप्यूटर रीजनिंग और मैथ्स, रीजनिंग के सर मतलब बहुत अच्छे हैं हमारे, मैथ्स के सर तो सामने बैठे ही है सर, आप तुम लोग खुद यूट्यूब में देख सकते हो, मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है वो चीज़। और कंप्यूटर में तो क्वेश्चन ही यहाँ से पूरे आ गए थे, पूरे मॉक टेस्ट के ही क्वेश्चन आए थे, मतलब बिल्कुल करीब 17-18 क्वेश्चन तुम लोग को मिल गए। नहीं देखिए बच्चों, यही चीज़ है, मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हो आप उसी मेंटर को फॉलो करें, क्योंकि वो मेंटर आपके लिए बहुत कुछ है, वो जो आपको बताता है आप उसे प्रॉपरली ब्लाइंडली फॉलो कर रहे, ठीक है। मतलब कहा ये जाता है कि आप मेंटर को ब्लाइंडली फॉलो करें, ठीक है, वो जो बोले आप उस चीज़ों पे काम करें, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और 24 के बच्चों के लिए भी यही मैसेज है, जो अभिनय सर ने मैसेज दिया आपको, अभिनय भैया ने मैसेज दिया कि भाई कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, धीमे धीमे पढ़ाई करो, 200 नंबर से 800 नंबर भी मॉक में आते हैं, 1800 रैंक से 81 रैंक भी आती है, और ये इन्होंने करके दिखाया है, ठीक है। तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई अलग से एग्जाम्पल सेट करना होगा, खुद एक एग्जाम्पल सेट किया है इन्होंने। और VIT वेल्लोर में ऑल ओवर इंडिया 3rd रैंक, महाराष्ट्र सिटी में 99.9% एज वेल एज अभी आपका CUT का रिजल्ट आने वाला है, तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस रहा। और मैं आशा करता हूँ, आपको विशेष देता हूँ, बेस्ट विशेष देता हूँ कि आप NIT तिरची, NIT सूरतकल, वो भी कन्फ्यूजन चल रहा है इनका कि सर सूरतकल लूँ या तिरची लूँ, जो भी आप कॉलेज चूज करें उसमें आप अच्छा परफॉर्म करें, और आगे भी लाइफ में ऐसे ही एक्मे अकेडमी का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम ऊँचा करते रहें, ठीक है, और प्राउड फील कराते रहें। थैंक यू।